तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे का नजारा देखकर समझ ही चुके होंगे कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ इंदौर के सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी देवगुराड़िया पहाड़ी पर। और पीछे का नजारा कुछ आप देख ही सकते हैं, यहाँ से आप पूरा इंदौर देख सकते हैं और काफी सुंदर यहाँ से दृश्य दिख रहा है। आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ जूम करके थोड़ा सा कि इंदौर। तो फाइनली फ्रेंड, बारिश के मौसम में मैं सोच रहा था कि कहाँ पर ब्लॉग शूट करने जाए, तो मैं और मेरा फ्रेंड राहुल यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का नजारा है। इंदौर से मात्र 3 किलोमीटर दूर देवगुराड़िया पहाड़ी है जो कि काफी प्रसिद्ध है और इसमें रामायण में भी इस पहाड़ी का उल्लेख किया गया है। और नीचे ही बहुत ही प्रसिद्ध देवगुराड़िया मंदिर है जो कि अभी हम वहाँ पर गए नहीं है। इस वक्त हम आए हैं पहाड़ी का शूट करने और पहाड़ी का नजारा आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर दृश्य हो रहा है यहाँ पर व्लॉगिंग शूट करने के लिए। और बहुत ही आप रील शूट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ है। और इस वक्त मैं आपको ये नजारा पूरा दिखा रहा हूँ फ्रेंड, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। अभी हम पहाड़ी के जस्ट नीचे वाले हिस्से पे, पहाड़ी अभी बहुत ऊपर हुए, लेकिन अभी क्या है बारिश होने की वजह से झाड़ियाँ काफी हरी भरी हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा डरावना सीन हो रहा है। तो हमारी तो हिम्मत आगे जाने की हो नहीं पा रही क्योंकि आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा आगे आके दिखाता हूँ, आप देख ही सकते हो कि जंगल का नजारा कितना खतरनाक दिख रहा है यहाँ पर। आई होप कि वैसे तो नहीं हो लेकिन जंगली जानवर भी हो सकते हैं फ्रेंड। तो अभी तो हम दूर से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही घने जंगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हूँ और बिल्कुल हॉलीवुड सीन जैसा नजारा यहाँ पर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा अंदर आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा डरते डरते आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ फ्रेंड। अभी देख ही सकते हो आप, बिल्कुल हॉलीवुड जैसा सीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफी डरावना सीन मुझे तो लग रहा है फ्रेंड, क्योंकि बारिश का सीजन है, यहाँ पर हरियाली बहुत तादाद में है तो शायद जंगली जानवर भी यहाँ पर हो सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क तो है लेकिन उस एरिया में हमें कोई रिस्क नहीं होने वाला। और सुंदरता की बात की जाए तो आप देख ही सकते हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर देवगुराड़े पहाड़ी के ऊपर, मैं और मेरा फ्रेंड राहुल। तो राहुल भाई, क्या कहना चाहोगे इस शानदार लोकेशन के लिए? राहुल भाई को भी डर लग रहा, बोले भैया अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही घना जंगल हमको दिख रहा है। फिर भी डरते डरते आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं यार, एक ब्लॉग तो शूट कर ही सकते हैं। वैसे इतना डरावना भी नहीं है, लोकेशन के लिए बहुत शानदार जगह है, यहाँ पर आप प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हो। देख ही सकते हो कितना सुंदर यहाँ पर, थोड़ा सा डेकोरेशन अगर आप यहाँ पर करवा देते हैं तो आपका प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर हो सकता है। और हाँ, आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर शूट कर सकते हैं फ्रेंड। तो दिखाता हूँ मैं और नज़ारा आपको। तो फाइनली फ्रेंड, बचपन की थोड़ी सी यादें ताजा करने के लिए मैं चढ़ रहा हूँ पेड़ के ऊपर और बहुत ही मजे आने वाले, तो फटाफट चढ़ते पेड़ के ऊपर। बचपन में गांव में ऐसे ही पेड़ पर चढ़कर झूला झूला करते थे, अभी तो बहुत डर लगने लग गया पर बचपन में तो बहुत एंजॉय किया करते थे। अगर यहाँ से गिरा तो हड्डी पसली एक होने वाली है और काफी मजा भी आ रहा है। ओहो ओहो, तो एक बात फिर से, बचपन जीने के लिए आप देवगुराड़िया पहाड़ी पर आ सकते हो मजे लेने के लिए मेरी तरह। जी हाँ, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है और बहुत ही आनंदपूर्ण नजारा। आ हा हा, तो ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत मस्त लोकेशन होने वाली है और फैमिली और बच्चों के साथ मजे करने के लिए भी आ सकते हो और यहाँ पर झूला बांध के झूला भी झूल सकते हो। तो फाइनली फ्रेंड, ये थी देवगुराड़िया पहाड़ी जो कि यहाँ पर आकर मुझे तो बहुत ही मजा आया, बहुत ही एंजॉय किया राहुल ने भी और मैंने भी, और यहाँ का नजारा भी बहुत ही सुंदर लगा। आई होप आप लोग भी यहाँ पर आओगे तो बहुत ही एंजॉय करने वाले। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वहाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। जब तक के लिए जय श्री राम।